हेलो एवरीवन। तो हमारा टॉपिक है रत्न या मणियां, और इस वीडियो में हम रत्नों का ग्रह के साथ संबंध देखेंगे और रत्नों का सामान्य शोधन देखेंगे अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय और इनके निमोनिक्स के साथ। तो सबसे पहले रत्नों का ग्रह के साथ संबंध। तो सूर्य ग्रह का माणिक्य रत्न के साथ संबंध होता है, चंद्रमा ग्रह का मुक्तामणि के साथ संबंध होता है, मंगल ग्रह का विद्रुम के साथ संबंध होता है, बुध ग्रह का ताक्षमणि के साथ संबंध होता है, गुरु ग्रह का पुष्पराग के साथ संबंध होता है, शुक्र ग्रह का हीरे के साथ संबंध होता है, शनि ग्रह का नीलम के साथ संबंध होता है, राहु ग्रह का गोमेदक के साथ संबंध होता है और केतु ग्रह का वैदुर्य के साथ संबंध होता है। तो इसके लिए जो निमोनिक बनाया गया है वो है मा मु विद ता पू गए हीरा लेने वहां नील गाय और वैदुर्य दिखे। ठीक है, तो हमें जो है क्रम से याद करना है। ठीक है, तो क्रम से जैसे हमारे जो क्रम से जो दिन होते हैं रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो क्रम से ये सात तो हमें याद हो जाएंगे। फिर राहु और केतु हमें याद करना है क्रम से। तो क्रम से हमें जो ग्रह है वो याद करने हैं और मणियों को भी हमें क्रम से ही याद करना है। तो किस तरह से करेंगे, मा मु वित ता पू गए हीरा लेने वहां उन्होंने क्या देखी, नील गाय देखी और वैदुर्य देखा। तो माँ से माणिक्य, मुंह से मुक्तामणि, विद से विद्रुम, ता से ताक्ष, पू से पुष्पराग, हीरा लेने हीरा, वहां नील नील यानी कि नीलम, गाय गोमेदक और वैदुर्य। वैदुर्य क्या होता है, कैट्स आई होता है। तो वहां उन्होंने नील गाय और वैदुर्य यानी कि बिल्ली देखी। तो इस तरह से हम जो है रत्नों का ग्रह के साथ संबंध क्रम के अनुसार याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये नौ रत्न है इनका शोधन कैसे किया जाए, तो क्रम से हमने कैसे याद किया है, मामू विद टापू गए हीरा लेने वहां उन्होंने नील गाय और वैदुर्य देखे। तो इस तरह से क्रम से हमने रत्न याद किए हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग। फिर हम इन ग्रहों का शोधन कैसे याद करेंगे, तो उस सबसे पहले माणिक्य का अम्ल वर्ग के साथ शोधन किया जाता है, मुक्तामणि का जयंती स्वरस के साथ शोधन किया जाता है, विद्रुम का क्षार वर्ग के साथ शोधन किया जाता है, ताक्ष का गौधुब्ध के साथ शोधन किया जाता है, पुष्पराग का कुल्लत क्वाथ के साथ शोधन किया जाता है, हीरे का तंडुलिया जल के साथ शोधन किया जाता है, नीलम का नीली रस के साथ शोधन किया जाता है, गोमेदक का गोरोचन के साथ शोधन किया जाता है और वैदुर्य का त्रिफला क्वाथ के साथ शोधन किया जाता है। अब इसे याद रखने के लिए हमने फिर से क्रम से ही एक निमोनिक बनाया है। तो अम्ल कर जयाने चार, गौदुग्ध में कुल्लत क्वाथ और तंडुलिया जल मिलाया, उस दुग्ध का कलर क्या हो गया, नीला गोरा त्रिफला क्वाथ जैसा। तो क्रम से ही आपको ये याद करना है, अम्ल कर जया ने चार गौदुग्ध में कुल्लत क्वाथ और तंडुलिया जल मिलाया, उससे उस दुग्ध का कलर क्या हो गया, नीला गोरा त्रिफला क्वाथ जैसा। तो अम्ल यानी कि अम्ल वर्ग, जया ने जयंती स्वरस, शार शार वर्ग, गौदुग्ध में गौदुग्ध के लिए, कुल्लत क्वाथ कुल्लत क्वाथ के लिए, तंडुलिया जल मिलाया तंडुलिया जल के लिए, उससे उसका कलर क्या हो गया, नीला नीला नीली रस के लिए, गोरा गोरोचन के लिए और त्रिफला क्वाथ जैसा। तो हमने क्रम से मणि याद किए थे, मामू वित तापू गए हीरा लेने वहां उन्होंने नील गाय और गोमेदक और नील गाय और वैदुर्य देखा, और फिर क्रम से ही हमने जो है इसके शोधन का निमोनिक याद कर लिया। तो इस तरह से हम जो है रत्नों का ग्रहों के साथ संबंध और शोधन याद कर सकते हैं। धन्यवाद।